और 1900 सालों तक यहूदियों के ऊपर इतने अत्याचार किए गए। मैंने उस दिन भी बताया, केवल भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां पर यहूदियों पर कभी भी अत्याचार नहीं किया गया। और बाइबल के अंदर एक सिद्धांत बताया गया है, एक यूनिवर्सल लॉ, एक सार्वभौमिक नियम जो है वो बताया गया है। परमेश्वर ने जब इब्राहिम को बुलाया तो परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा था कि जो तुझे आशीष दे उसे मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे श्राप दे, तुझे कोसे, उसे मैं श्राप दूंगा। और ये परमेश्वर का एक यूनिवर्सल लॉ है। इसी बात को परमेश्वर ने याकूब के साथ दोहराया, और याकूब का नाम परमेश्वर ने इज़राइल रखा। और परमेश्वर ने कहा कि जो तुझे आशीष दे उसे मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे श्राप दे उसे मैं श्राप दूंगा। उसके बाद जब गिनती की पुस्तक 23वें अध्याय के अंदर बिलाम भविष्यवक्ता आता है, और बिलाम इसराइलियों को श्राप नहीं दे पाता है, लेकिन बिलाम भविष्यवक्ता जो होता है वो भविष्यवाणी करके कहता है कि जो इसराइल को आशीष दे वो तो अपने आप ही आशीषित हो जाएगा, और जो इसराइल को श्राप दे वो अपने आप ही श्रापित हो जाएगा, बिलाम कहता है। और ये परमेश्वर का एक सार्वभौमिक नियम है कि जो इसराइल को आशीष दे वो आशीष पाएगा। लेकिन इतिहास के अंदर कई सारे साम्राज्यों ने, देशों ने इसराइल को श्राप दिया, यहूदियों को मारा, उनका कत्लेआम किया। लेकिन विश्व इतिहास इस बात की गवाही देता है कि पूरी दुनिया के अंदर केवल एक ही ऐसा देश हुआ जिसने यहूदियों पर कभी भी अत्याचार नहीं किया, और वो देश हमारा देश भारत है। और जब 1948 में 1900 सालों के बाद जब इज़राइल देश का वापस से निर्माण हुआ तो लाखों की संख्या में यहूदी भारत के अंदर बसे हुए थे, और भारत भी एक साल पहले ही आजाद हुआ था, और भारत एक गरीब देश था उस जमाने में। लेकिन इतना गरीब देश होने के बावजूद वो भारत के ही प्रधानमंत्री थे पंडित नेहरू, जिन्होंने भारत से इसराइल वापस लौटने वाले यहूदियों के लिए एयर इंडिया की मुफ्त विमान सेवाएं उपलब्ध कराई थी। और वो भारत के ही प्रधानमंत्री थे पंडित नेहरू। जैसे ही यहूदियों ने अपने स्वतंत्र राष्ट्र की घोषणा करी तो पंडित नेहरू उन पहले लोगों के अंदर थे जिसने उस डिक्लेरेशन पर मुहर लगा करके इसराइल को मान्यता दे दी थी। और उसका परिणाम क्या हुआ? जो इसराइल को आशीष दे वो आशीष पाएगा। उसका परिणाम क्या हुआ कि जब पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया तो पाकिस्तान हारा, जब चीन ने भारत पर हमला किया तो चीन भारत को हरा नहीं पाया। उसके बाद जब 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया तो पाकिस्तान हारा, 71 में हमला किया तो पाकिस्तान हारा, कारगिल में हमला किया तो पाकिस्तान हारा, और आज की तारीख तक हारता ही चला जा रहा है, क्योंकि जो इसराइल को आशीष दे वो तो आशीष पाएगा, लेकिन जो इसराइल को श्राप दे वो श्राप पाएगा। और पाकिस्तान जो है वो उन देशों के अंदर शुमार है जो इसराइल का नामो निशान मिटा करके रख देना चाहते हैं, दुनिया के नक्शे पर से इसराइल को मिटा देना चाहते हैं। और इसीलिए परमेश्वर की आशीषें, परमेश्वर का सामर्थ्य जो है वो भारत के साथ है। इसीलिए साथ है क्योंकि भारत ही एकमात्र ऐसा देश हुआ जहां पर यहूदियों पर कभी भी अत्याचार नहीं हुआ। 70 सालों के अंदर दुनिया की महाशक्तियों की टक्कर के ऊपर भारत को परमेश्वर ने लाकर के खड़ा कर दिया। और इसीलिए जब हम इसराइल जाते हैं भारतीय लोगों को लेकर के, और जब हम भारत का झंडा यरूशलेम के अंदर लेकर के चलते हैं, घूमते हैं, तो वहां पर यहूदी जो है वो भारत का नाम चिल्लाते हैं, इंडिया इंडिया करके चिल्लाते हैं, क्योंकि यहूदी जो है वो भारत को अपना बड़ा भाई मानते हैं।
और यहूदियों पर इतने इतने अत्याचार इन 1900 सालों में किए गए, लेकिन यीशु ने कहा था वो अंजीर का पेड़ वापस से फलेगा, वो अंजीर का पेड़ वापस से फूलेगा। और आज इज़राइल 1948 से वापस से फलना और फूलना शुरू हो चुका है। और आज बाइबल की वो भविष्यवाणियां जिनको हम बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, वो सारी भविष्यवाणियों को परमेश्वर वहां पर पूरा करके दिखा रहा है।